भारत में एक शब्द है जिसका नाम है चमार। यह एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर के तमाम किस्से कहानियां फैली हुई हैं। कोई कहता है कि चमार पुरातन काल से ही दलित थे, उन्हें हमेशा शूद्र समझा गया। लेकिन जो असली इतिहास चमारों का सामने आता है वह अच्छे अच्छे इतिहासकारों के भी होश उड़ा के रख देता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है, और उस इतिहास से ना सिर्फ चमार जाति के लोग बल्कि पूरा हिंदू समाज अनभिज्ञ है। आज के समय में हमें यह देखने को मिलता है कि चमार जाति का यूज कुछ लोग जाति सूचक गाली के लिए भी करते हैं। उसके लिए कानून में अपना एक अलग प्रावधान है। जरा सोचिए कि जिस शब्द को जाति सूचक शब्द समझा जाता हो, जिस शब्द का प्रयोग चिढ़ाने के लिए किया जाता हो, अगर वही शब्द पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन के चमक जाए तो क्या होगा। सोचिए जरा उन लोगों पर क्या गुजरेगी जो चमार जाति का अपमान करते हैं। आखिर कौन सा है वह चमार ब्रांड जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा कर रख दिया। आखिर कैसे चमार ब्रांड ने अमेरिका, जर्मनी और जापान तक को हिला के रख दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि अगर आपको इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना है तो कृपया करके अभी चले जाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप आधी अधूरी जानकारी रखें। और यदि आप अपने समुदाय, अपने देश, अपने धर्म की वह जानकारी नहीं जानना चाहते तो भी आप यह वीडियो अभी छोड़कर जा सकते हैं। कौन है जिन्होंने आज इस ऊंचाई को चुना है, कैसे एक द चमार स्टूडियो से दास ऑफशोर तक। आज हम आपको बताने वाले हैं 10 दलित बिजनेसमैन्स की कहानी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे उन 7 दलित खिलाड़ियों के बारे में भी जिन्होंने पूरे भारत को हिला दिया, और बताएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उन 20 अंतरराष्ट्रीय मूर्तियों के बारे में भी जिन्हें भारत के लोग नहीं जानते, जिन्होंने हिला कर रखा है पूरी दुनिया को। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आते हैं पहले नंबर पर, जो कि है सुधीर राजभर। मुंबई में जन्मे कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर राजभर अपने क्रिएटिव एंटरप्राइज द चमार स्टूडियो के माध्यम से दलितों के सामाजिक आंदोलन को फैशन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा रहे हैं। मुंबई के कांदीवली स्लम से आने वाले राजभर ने 2017 में जहांगीर आर्ट गैलरी में भाग लिया और अपने डार्क होम्स नामक काम को प्रस्तुत किया। आज यह चमार ब्रांड भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इन जगहों पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत बेहद छोटी सी दुकान से हुई थी, लेकिन आज यह करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये द चमार स्टूडियो के हैं, जिन्हें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खरीदते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर, जो कि है राजेश सराइया। ये देश के प्रथम दलित अरबपति माने जाते हैं। ये स्टील मोंट ट्रेडिंग लिमिटेड के CEO हैं और इसका मुख्यालय डसेलडोर्फ जर्मनी में है। सीतापुर उत्तर प्रदेश में जन्मे थे राजेश सराइया। 2012 में इन्हें प्रवासी भारतीय अवार्ड, 2014 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। इनकी कंपनी के ऑफिस लंदन, कीव, मॉस्को, इस्तांबुल, दुबई, मुंबई और तंजानिया में। इनको देश का पहला दलित अरबपति भी कहा जाता है। आते नंबर 3 पर, जो कि हैं चंद्रभान प्रसाद। चंद्रभान भारत के पहले दलित थे जिनका किसी अखबार में अपना एक कॉलम छपता था, और वह अखबार था द पायनियर। वर्तमान में चंद्रभान दलित विमर्श में सबसे प्रसिद्ध और कार्यरत विद्वान है। आर्थिक समानता को सामाजिक समानता के लिए जरूरी मानते हुए उन्होंने दलित निर्माताओं के लिए ई-कॉमर्स साइट bydalits.com की शुरुआत की है। वे कहते हैं कि दलित मध्यम वर्ग को अंबेडकर की तरह सुंदर ढंग से कपड़े पहनने चाहिए। वर्तमान में वे DICCI में भी सलाहकार हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर, जो कि हैं भगवान गवई। महाराष्ट्र में अत्यंत गरीब दलित परिवार में जन्मे भगवान गवई की कहानी
किसी फिल्मी कहानी की तरह। एक समय था जब ये दिहाड़ी मजदूर थे और 100 से 200 रुपए कमाते थे, लेकिन आज भगवान गवई सौरभ एनर्जी के मालिक। अन्य दलित एंटरप्रेन्योर को सहयोग देने के लिए उन्होंने 30 युवा मेधावी दलितों को चुना है और अपनी मैत्रीय डेवलपर नामक दूसरी कंपनी के माध्यम से उनके आइडिया में निवेश कर रहे हैं। आज भी करोड़पति बिजनेसमैन है और लाखों युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। अब आते हैं नंबर 5 पर, जो कि है कल्पना सरोज। महाराष्ट्र के विदर्भ में जन्मी कल्पना सरोज की शादी मात्र 12 साल की उम्र में हो गई। वह पति के परिवार द्वारा घरेलू हिंसा के कारण ससुराल छोड़कर मुंबई आकर अपने रिश्तेदार के साथ रहने लगी। अपनी बचत से छोटे फर्नीचर का कार्य शुरू किया। 2001 में उन्होंने बंद कंपनी कामिनी ट्यूब्स को खरीद लिया और उसको मुनाफे वाली कंपनी बना दिया। अभी वो उसकी CEO भी है। आज अनुमानतः उनके पास $112 मिलियन की निजी संपत्ति है। कल्पना सरोज और पूरे भारतीय महिला समाज के लिए एक प्रेरणा है। आते हैं नंबर 6 पर, जो कि है राजा नायक। दलित परिवार में जन्मे राजा नायक 17 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई आए। या उन्होंने कपड़े बेचे, कोल्हापुरी चप्पलें बेचे। आज उनका सालाना टर्नओवर इतना है कि आप हिल जाएंगे। जी हाँ, जो व्यक्ति कपड़े और चप्पल बेचता था, आज उसका सालाना टर्नओवर 60 करोड़ का है। वर्तमान में वे DICCI कर्नाटक के प्रेसिडेंट हैं और वह स्कूल और कॉलेजेस के जरिए पिछड़े और गरीब तबके के विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराने का काम भी करते हैं। अब आते हैं नंबर 7 पर, जो कि है अशोक खाड़े। मोची पिता के घर जन्मे अशोक खाड़े आज दास ऑफशोर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अपने गांव से शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज गए। उसके बाद इन्होंने सरकारी बंदरगाह पर काम करना शुरू किया और जिसके बाद इन्होंने खुद की कंपनी शुरू कर दी। क्या आपको पता है कि आज इनकी कंपनी करीब 5,000 लोगों को रोजगार दे रही है तथा उसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ का है। आते हैं नंबर 8 पर, जो कि है मिलिंद कांबले। भारतीय दलितों को एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सहायता देने वाली संस्था DICC है, जिसकी स्थापना मिलिंद कांबले ने की है। DICC ने SC ST समुदाय के बीच व्यापार और इनोवेशन के माध्यम से लीडरशिप की कुशलता को बढ़ाने का काम किया है। वर्तमान में इसके 10,000 से अधिक सदस्य हैं। मिलिंद कांबले को 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब आते हैं नंबर 9 पर, जो कि है डॉक्टर श्याम कुमार। डॉक्टर श्याम कुमार का जन्म हुआ था देवबंद के दलित कारखाना मजदूर के घर में। जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने गए तब उन्होंने पहली बार नए जूते पहने थे, लेकिन आज वे हापुड़ में देव नंदिनी हॉस्पिटल चलाते हैं। 100 बेड वाले इस हॉस्पिटल में 36 डॉक्टर हैं और इसके अलावा 350 स्टाफ कार्यकर्ता है। आज डॉक्टर श्याम कुमार करोड़पति हो गए। अब आते हैं नंबर 10 पर, जो कि है हरिकिशन पिल्लन। अपनी शिक्षा के लिए हरिकिशन पिल्लन ने रिक्शा चलाया। पिता को दिल का दौरा पड़ने पर परिवार की देखभाल की और एक समय ऐसा था जब इनके पास प्रतिदिन का गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन आज हरिकिशन एक ऐसे व्यवसाय के मालिक हैं जिसका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ का है। आपको बता दें कि उन्होंने आगरा कैंट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा है। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला दलित क्रिकेटर कौन था जिसको इंग्लैंड अपनी टीम से खिलवाना चाहता था? दोस्तों, उस क्रिकेटर का नाम था पालवंकर बालू। बालू चमार जाति से आते थे, जिन्हें तब अछूत समझा जाता था, लेकिन अपनी करिश्माई मध्यम गति की गेंदबाजी से उन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर शुरुआती 19वीं शताब्दी तक भारतीय क्रिकेट का प्रतिनिधित्व किया और पुणे हिंदू स्क्वाड की तरफ से खेलते हुए अंग्रेजी और यूरोपियन टीमों को परास्त किया। लेकिन दोस्तों, बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले मैदान के बाहर पालवंकर बालू की जिंदगी सामान्य नहीं थी। पूना क्लब पवेलियन में चाय काल के दौरान जब सारे खिलाड़ी चीनी मिट्टी के कप में चाय पीते थे, तब बालू सबसे दूर कोने में शांत खड़े होकर कुल्हड़ में चाय पिया करते थे। प्रसिद्ध क्रिकेट इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब अ कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड में इस खिलाड़ी के बारे में विस्तार से लिखा है। वो बताते हैं कि बालू के पिता ब्रिटिश आयुध खाने में काम करते थे। बालू और उनके भाई अंग्रेजों द्वारा छोड़े हुए पुराने बल्ले और गेंद से खेला करते थे। बालू का काम फील्ड का पिच रोल करना, झाड़ू लगाना था, लेकिन धीरे धीरे बल्लेबाजों को उनकी प्रैक्टिस में भी मदद करने लगे। बालू घंटों उन्हें अभ्यास कराते, लेकिन उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता। धीरे धीरे बालू का कौशल सबके कानों तक पहुंचने लगा था। जल्द ही उन्हें पूना हिंदू स्क्वाड की तरफ से खेलने का मौका मिला और बालू ने बाएं हाथ की अपनी स्पिन गेंदबाजी से लोकल ब्रिटिश
ग्रीस और यूरोपियन टीमों को हराने में मुख्य भूमिका निभाई। सन 1896 में बालू अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए और हिंदू जिमखाना क्लब से खेलने लगे। उन्हें अपने गति और कोण पर नियंत्रण की महारत हासिल थी। जिस खूबसूरती से उनकी गेंद हवा में फिरकी लेते हुए बल्लेबाज के विकेट उड़ा ले जाती थी, वो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को सोचने का मौका भी नहीं देता था। विरोधी खिलाड़ी बताते थे कि उनका स्टैमिना भी बहुत कमाल का था। बिना थके वो घंटों गेंदबाजी किया करते थे। गुहा ने अपनी किताब में आगे लिखा है कि 1905 में विल्स के प्रिंस भारत में क्रिकेट मैच देखने आए थे और भारत और इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की भिड़ंत देखना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि बालू की बॉलिंग की बदौलत शाही क्रिकेट टीम भारत से हार गई। नतीजतन 30 साल के दलित क्रिकेटर पालवंकर बालू, जिसे चाय भी अलग पीना पड़ता था, उसे उस जीत के पश्चात पूरी टीम के साथ खाने का न्योता दिया गया। अगले 6 सालों में भारतीय टीम ने कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन बालू का प्रदर्शन अपने शिखर पर था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के टीमों के विरुद्ध खेला। उन्होंने इंग्लैंड के बेहद पॉपुलर स्टेडियम्स में खेला। उनकी उपलब्धि और प्रतिभा की बदौलत उन्हें कई ऑफर आए, लेकिन वे यहीं रहे और भारतीय टीमों से ही खेले। इंग्लैंड की टीम द्वारा भी उन्हें ऑफर दिया गया था कि बालू और इंग्लैंड की टीम की तरफ से खेले। इसके बदले उन्हें भारी मात्रा में मैच फीस और पर्क्स भी देने का वादा किया गया था, लेकिन बालू ने कहा कि हम भारत में ही ठीक हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी पालवंकर बालू की, जो थे पहले दलित क्रिकेटर। अब हम आपको 6 और दलित खिलाड़ियों के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले नाम आता है विनोद कांबली का। दोस्तों, भारत का पसंदीदा खेल क्रिकेट और सबसे प्रसिद्ध दलित क्रिकेटरों में से एक विनोद कांबली, जिन्होंने 1991 से 2000 के बीच भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेला। आपको बता दें कि कांबली ने टेस्ट क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व भी किया है। हालांकि कांबली को अपनी जाति के बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन विनोद कांबली एक उत्कृष्ट क्रिकेटर थे। वे भारतीय क्रिकेट टीम में अपने साथी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त भी थे। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है हिमा दास। दोस्तों, हिमा दास एक भारतीय धावक है और इन्होंने जकार्ता इंडोनेशिया में 2018 में एशियाई खेलों में 50.79 सेकंड का समय लेकर 400 मीटर से अधिक का भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसके अलावा उन्होंने कई स्वर्ण पदक जीते और देश का परचम बुलंद किया। हिमा दास को आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, लेकिन हिमा दास की शुरुआत काफी विनम्र रही। वह उत्तर पूर्वी राज्य असम के एक छोटे से गाँव से है। आते हैं नंबर 3 पर, जो की है तुलसी हेलन। तुलसी हेलन चेन्नई तमिलनाडु की एक मुक्केबाज, जिन्हें भारत की लेडी मोहम्मद अली भी कहा जाता है। उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक 2000 में 14 साल की उम्र में नई दिल्ली में 23वीं YMCA बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता था। अपने करियर के चरम पर उन्होंने मैरी कॉम को हराया। तुलसी ने खेल से संन्यास लिया तो उनके नाम पर 30 पदक थे। तुलसी हेलन ने कहा था, क्योंकि मैं दलित पैदा हुई थी, इसलिए मुझसे सबसे निचले पायदान पर रहने की उम्मीद की जाती, लेकिन मैं एक अलग जिंदगी का सपना देखती हूँ। आते हैं नंबर 4 पर, जो कि है पीटी उषा को अक्सर भारत में ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1980 के दशक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में एशियाई परिदृश्य पर अपना दबदबा बनाया और भारत के लिए कई पदक जीते। उषा 1984 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी और आज भी वह भारतीय एथलीटों के लिए एक आइडल के रूप में काम करती है। आते हैं नंबर 5 पर, जो की है संथी साउंड राजन। तमिलनाडु में ईंट भट्टा श्रमिकों के 5 बच्चों में से एक शांति साउंडराजन एक ट्रैक और फील्ड एथलीट है, जिन्होंने भारत के लिए 12 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पदक जीते। 2006 में लिंग सत्यापन परीक्षण में विफल होने के बाद दोहा कतर में एशियाई खेलों में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में उनका रजत पदक छीन लिया गया था। इस अनैतिक और अवैज्ञानिक परीक्षण से उन्हें जो अपमान सहना पड़ा, उससे वह डिप्रेशन में चली गई और आत्महत्या के प्रयास से वह बच गई। तब से उन्होंने अन्य महिला एथलीटों का समर्थन किया है जो इसी तरह मामलों से गुजरी, जिनमें कास्टर सेमन्या और दुति चंद शामिल है। सुंदर राजन का दावा है कि उन्होंने अपने काम के दौरान जाति आधारित भेदभाव का भी अनुभव किया। आते हैं इस वीडियो के अंतिम नंबर पर, जो कि है सपना बर्मन। एक रिक्शा चालक और चाय बागान कर्मचारी की बेटी सपना ने 2018 में एशियाई खेलों में हेप्टाथलॉन स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय थी। वह पश्चिम बंगाल से हैं। सपना का जन्म जन्मजात विसंगति के साथ हुआ था, जिसके कारण उनके पैर में 6 उंगलियां। हालांकि अपनी परिवार की गरीबी को देखते हुए वह कभी विशेष जूते नहीं खरीद पाई और सामान्य जूतों में उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। तो चलिए सबसे पहले नंबर पर आते हैं, जो कि है कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में स्थित
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। दोस्तों आपको बता दें कि स्क्रीन पर दिख रही यह मूर्ति भीमराव अंबेडकर की 100वीं जयंती के अवसर पर स्थापित की गई थी, जो कि 1991 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई थी। मुंबई के शिल्पकार विनय ब्रह्मेश वाघ द्वारा बनाई गई इस प्रतिमा को 24 अक्टूबर 1991 को कोलंबिया विश्वविद्यालय को गिफ्ट किया गया था। इसके बाद 1995 में यह प्रतिमा लेहमन लाइब्रेरी में स्थापित की गई थी। दोस्तों अंबेडकर की इस प्रतिमा को देखने के लिए दुनिया भर से तमाम लोग यहां आते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय के ही छात्र थे। उन्होंने यहीं से एमए, पीएचडी और एलएलडी की डिग्रियां हासिल की थी। और 2004 की बात है जब कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर विश्वविद्यालय ने अपने 250 वर्षों के विश्व के 100 सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ छात्रों की सूची तैयार की थी, जिसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर अंबेडकर का था। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हाँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि लंदन ब्रिटेन में स्थित है, यहाँ पर भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई है। यहाँ पर भी बाबा साहब ने अध्ययन किया हुआ था और यहीं से उन्होंने एमएससी और डीएससी की डिग्रियां प्राप्त की थी। और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को कॉलेज की एट्रियम गैलरी में रखा गया है, जिसका अनावरण 14 अप्रैल 1994 को किया गया था। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि है वॉल्वर हैम्पटन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह प्रतिमा भी ब्रिटेन में स्थित है, लेकिन यह प्रतिमा अर्ध प्रतिमा नहीं बल्कि पूरी प्रतिमा है। और इसको 2002 में ब्रिटेन के वॉल्वर हैम्पटन में स्थापित किया गया था, जो कि आज भी बुद्ध विहार के परिसर में स्थापित है। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर 2000 को वॉल्वर हैम्पटन के मेयर के द्वारा किया गया था। दोस्तों आमतौर पर मूर्तियों में बाबा साहेब के बाएं हाथ में संविधान दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जूम करके देखने पे पता चलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में द बुद्धा एंड हिज धम्मा नाम का ग्रंथ है। हाल ही में खबर आई है कि अब इस प्रतिमा को हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब आते हैं नंबर 4 पर, जो कि है साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी कनाडा। दोस्तों साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी ने अपने इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैनिटीज के जरिए WAC बेनेट लाइब्रेरी के तीसरे फ्लोर लाउंज एरिया में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी को सम्मानित किया है। इस प्रतिमा में 3 पट्टिकाएं भी हैं। सामने की ओर लगी पट्टिका पर बाबा साहब का अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, जिसमें डॉक्टर B.R. अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक, भारत रत्न, सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ने वाला निडर योद्धा लिखा गया है। अन्य 2 पट्टिकाएं मूर्ति के दाईं और बाईं ओर हैं, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर के एक एक अनमोल विचारों को दर्शाया गया है। आप इनको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पर, जो कि है कोयासन यूनिवर्सिटी जापान। जापान के वाकायामा में कोयासन विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की यह पूर्ण प्रतिमा स्थापित की गई है। 10 सितंबर 2015 को महाराष्ट्र के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। यह वो समय था जब कोयासन यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना का 1200वां स्थापत्य दिवस मना रही थी। आपको बता दें कि बाबा साहब की यह प्रतिमा पंच धातु से बनी हुई है। मूर्ति की कुल ऊंचाई 10.5 फीट है, जिनमें से मूर्ति की ऊंचाई 6 फीट और उसके बेस की ऊंचाई 4 फीट है। कोयासन यूनिवर्सिटी जापान में स्थित यह प्रतिमा अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं नंबर 6 पर, जो कि है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर मेमोरियल। अभी हमने लंदन में आपको भीमराव अंबेडकर जी की कुछ अन्य प्रतिमाओं के बारे में बताया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर अर्ध प्रतिमाएं थी।
लेकिन ये प्रतिमा यहाँ पर पूर्ण प्रतिमा है। इस स्थान को डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर मेमोरियल कहा जाता है। यहाँ पर आपको दो मूर्तियां देखने को मिल रही होंगी, पहली जो कि पूर्ण प्रतिमा है, दूसरी जो कि अर्ध प्रतिमा है। इसका अनावरण किया गया था 14 अप्रैल 2015 को, वो भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब आते हैं सातवें नंबर पर, जो कि है डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर स्मारक, और ये भी लंदन में है। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर मेमोरियल को अम्बेडकर हाउस लंदन भी कहा जाता है। यह एक इंटरनेशनल मेमोरियल है। यहाँ पर भी डॉक्टर अम्बेडकर की एक सुंदर अर्ध प्रतिमा स्थापित की गई है। इसका भी लोकार्पण 14 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह पूरा स्मारक महाराष्ट्र सरकार ने 35 करोड़ रुपए में खरीदा था। यहाँ पर इस मूर्ति को स्थापित किए जाने का उद्देश्य यह है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, तब उस दौरान वह इसी इमारत में रहा करते थे। आज भी यहाँ की दीवारों पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार लिखे गए हैं। यहाँ पर उनकी यादगार में उनसे संबंधित कई यादगार वस्तुएं रखी हुई हैं। आज भी यह भारतीय छात्रों के लिए एक मोटिवेशन प्लेस की तरह है, जहाँ तमाम भारतीय छात्र जाते हैं। अब आते हैं नंबर 8 पर। यह मूर्ति स्थित है यॉर्क यूनिवर्सिटी, टोरंटो, कनाडा। स्क्रीन पर दिख रही इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था 2 दिसंबर 2015 को यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा में। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आप साफ देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है इंडियास हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत रत्न। आपको बता दें कि यॉर्क यूनिवर्सिटी के द्वारा कि जब इस मूर्ति का अनावरण किया गया था, तो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुखदेव थोरात ने भी इस अवसर पर नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर से डॉक्टर अंबेडकर की तुलना करते हुए यह कहा था कि वे 20वीं सदी के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक हैं। अब आते हैं नंबर 9 पर, जो कि है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 2016 की बात है जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई, और इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर की एक प्रतिमा भी लगाई गई, और वह दिन था 14 अप्रैल 2016। इसके बाद 2016, 2017, 2018 में भी लगातार संयुक्त राष्ट्र में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और उन्हें एक वैश्विक प्रणेता के रूप में सम्मानित किया गया। अब आते हैं नंबर 10 पर, जो कि है डॉक्टर अंबेडकर हाई स्कूल, हंगरी। दोस्तों हंगरी एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हार्ट ऑफ यूरोप है, यानी यूरोप का दिल। हंगरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अधिक मान्यता है। यहाँ के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से काफी ज्यादा प्रेरणा लेते हैं, इसलिए यहाँ पर बाबा साहब के नाम पर 3 माध्यमिक विद्यालय भी स्थापित किए गए। स्थापित करने वाले कोई भारत के लोग नहीं हैं, बल्कि यहीं के हंगरी के लोग हैं, और यहाँ प्रत्येक स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित है। अब आते हैं नंबर 11 पर, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी नामक विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह अर्ध प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा को 2016 में अनावरित किया गया था। मूर्तिकार गौतम पाल ने इस मूर्ति का निर्माण किया था। इस स्कूल के डीन प्रोफेसर माइकल एडम्स इस मूर्ति के बारे में कहते हैं कि जिस शख्स की हमने मूर्ति स्थापित करी है, इसको देखकर तमाम स्टूडेंट्स प्रेरित होंगे, और न सिर्फ प्रेरित होंगे बल्कि इनके बारे में जानकर निसंदेह आने वाली पीढ़ियां भी मोटिवेट होंगी। अब आते हैं नंबर 12 पर, जो कि है ब्रैंडिश यूनिवर्सिटी, बोस्टन, अमेरिका। अमेरिका के बोस्टन शहर में स्थित ब्रैंडिश यूनिवर्सिटी में भी बाबा साहब की यह प्रतिमा देखने को मिलती है। इसका अनावरण 29 अप्रैल 2017 को किया गया था। यह प्रतिमा विश्वविद्यालय की गोल्ड फर्ब मेल लाइब्रेरी में रखी गई है। अब आते हैं नंबर 13 पर, जो कि है
मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। 30 मार्च 2018 को मेलबर्न यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की यह प्रतिमा स्थापित की गई थी। मेलबर्न यूनिवर्सिटी में अंबेडकर जयंती के समारोह के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। अब आते हैं नंबर 14 पर, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट अमेरिका। 5 मई 2018 को इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा इस मूर्ति में 40 पाउंड का कांस्य लगाया गया है और इन्होंने इस मूर्ति का अनावरण करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट में विश्वविद्यालय के कुलपति स्टीव गुडविन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ग्लोबल ह्यूमन की संज्ञा दी थी। अब आते हैं नंबर 15 पर, जो कि है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों स्क्रीन पर दिख रही यह मूर्ति दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है जो कि बाबा साहब की हैं। और इन मूर्तियों का निर्माण इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि अफ्रीका में जो जो महत्वपूर्ण जगहें, खासतौर पर एजुकेशनल प्लेसेस, वहाँ वहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यह मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। अब आते हैं नंबर 16 पर, जो कि है इंडियन हाउस कमीशन लंदन यूके। दोस्तों स्क्रीन पर जो शख्स आपको दिख रहा है वह और कोई नहीं बल्कि बाबा साहब के परपोते सुजात प्रकाश अंबेडकर, जो कि इंडियन हाई कमीशन हाउस में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ खड़े हुए हैं। यह प्रतिमा लंदन में स्थापित है और आज भी जो लोग यहां आते हैं वह इस प्रतिमा के दर्शन करते हैं। अब आते हैं नंबर 17 पर, जो कि है भारतीय दूतावास अजरबैजान बाकू। दोस्तों आप सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि अजरबैजान एक मुस्लिम देश है। इस मुस्लिम बहुल देश में बाबा साहब अंबेडकर की यह प्रतिमा स्थापित है और यह प्रतिमा अजरबैजान की राजधानी बाकू में भारत की एम्बेसी के सामने स्थापित है। अब आते हैं नंबर 18 पर, स्क्रीन पर दिख रही यह प्रतिमा मॉरिशस के मोका में है, जो कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में है। 28 सितंबर 2022 को मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन द्वारा बाबा साहब की इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अब आते हैं नंबर 19 पर, जो कि है चियांग राई थाईलैंड। थाईलैंड में 95% आबादी बौद्ध है और थाईलैंड एक बौद्ध देश भी है। इसी साल जनवरी 2023 में थाईलैंड के रायचंद तवन विपश्यना केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह प्रतिमा लगाई गई। अब आते हैं नंबर 20 पर, जो कि है वियतनाम। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आगे तमाम लोग हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और सामने कुछ शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी साल पिछले महीने ही वियतनाम में बाबा साहब अंबेडकर का यह स्टैचू स्थापित किया गया था। वियतनाम में सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसी ही बाबा भीमराव अंबेडकर की 10 प्रतिमाएं पूरे वियतनाम में लगाए जाने की योजना बन रही। फिलहाल यह मूर्ति 15 फीट की है। यह प्रतिमा वियतनाम के सबसे बड़े शहर हो ची मिन सिटी में एक विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित है और इस प्रतिमा को सिंबल ऑफ नॉलेज का नाम दिया गया है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है और न ही उनकी विचारधारा सिर्फ भारत तक में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है वह न सिर्फ बौद्ध देशों, न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के तमाम देशों तक है और तमाम लोग उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं। बेशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक स्टूडेंट के तौर पर भी काफी प्रतिभाशाली और बुद्धिमान छात्र थे। यही कारण है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों देशों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई। अगर आप और भी देशों के बारे में जानना चाहते हैं जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित हैं, तो वह भी हमें अवश्य बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।